नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरबर जिले के करतला विकास खंड में पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब चले गए हैं। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर उन्होंने अगले निर्णय तक प्रदर्शन करना सुनिश्चित किया है। पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी ने बताया कि 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद कर्मियों को नियमित करने की मांग की जा रही है। इस बारे में हमें आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन अगली कार्रवाई नहीं की गई। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में है या एक कोरबा जिला के करतला में? पूरे छत्तीसगढ़ में है हम लोग, पूरे सचिव संघ और हमारे 146 विकास खंड में। और हमारा एक ही मांग है, शासकीयकरण। जो हमारे पंचायत मंत्री ने हमें आश्वासन दिया गया था कि बजट में आप लोगों का शासकीयकरण का मुद्दा खोलेंगे, लेकिन बजट में हमारा कोई ध्यान नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ये लगभग अभी तक कोई अधिकारी या कर्मचारी या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि यहाँ अभी तक आप लोगों को? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर, ना कोई सरकार की तरफ से ना क्या होगा व्यापक स्थिति पर कब जाएगी सरकार, आपकी जो संघ है वो रायपुर की ओर कब कुछ करेगी? अभी प्रांत इस तरह से जैसे भी हम लोग कुछ दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग अभी हड़ताल में बैठे हैं। जैसे दिशा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से जाएंगे हम लोग, लेकिन हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन है। कई जगह स्थितियाँ ये भी आती हैं कि सचिव सही समय पर ग्राम अपने मुख्यालय पर नहीं पहुंचते हैं, और इस संबंध पर लेकर कई ग्रामीण जन भी थोड़ा आक्रोश सुनकर रहता है सचिवों के प्रति। तो नियमितीकरण को लेकर अभी हड़ताल में अभी जैसे बैठे हो तो काफ़ी लोग भी कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में हैं सर, आम जन उसके आपका क्या रहेगा मत? अब हमारा मत यही है कि हम लोग सभी सचिव साथी काम तो अपना बढ़िया नियमित रूप से कर रहे हैं, और शासन का भी जो भी योजनाएं हैं और अपना 29 भाग आने वाले चुनाव, अभी 23 के अंतिम समय पर चुनाव होने वाली है, इस चुनाव को देखते हुए क्या यह चुनावी आप लोगों का धरना प्रदर्शन है? नहीं नहीं, अपना सिर्फ मांग के लिए लड़े हैं हम लोग। अगर सरकार ने हमारे बजट में मांग को ले लेते तो हम लोग हड़ताल नहीं करते। हमें आश्वासन दिया गया था हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी कि आप लोग गोधन न्याय योजना को बढ़िया चलाओ, हम लोग दिसंबर के बाद आपका जो डेलीगेशन टीम को बुलाएंगे उस हिसाब से हम लोग आपका मांग को पूरा करेंगे।